78 चैप्टर नंबर 78 में से ना हमारे पास तीन के तीन चार सवाल आते हैं, वो ये कि कुशिंग डिजीज क्या होती है, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, या फिर जो एडिनोकॉर्टिकॉइड्स यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं हमारे पास, इनका मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों आता है, वो था एल्डोस्टेरोन स्केप फिनोमेना, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और जब चैप्टर स्टार्ट करता है, आप लोगों ने पहला पेज रीड करना है, और ये सारे एमसीक्यूज हैं कि कौन सी लेयर से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। फिर आप लोगों को पता होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कौन से होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन से होते हैं, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, नहीं माने चाहिए, एंड्रोजेंस कौन से होते हैं, नहीं बताने चाहिए, इनके सिंथेसिस और सिक्रीशन यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट इटसेल्फ एमसीक्यूज है कि एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स आर स्टेरॉइड्स डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, एमसीक्यूज हो गए। सिंथेटिक पाथवे आप लोग इसको रीड कर लेना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स का आप लोगों ने फीचर फॉर एसईक्यू तैयार करने हैं। नेक्स्ट, यहाँ से एमसीक्यूज बनते होते हैं, ठीक है, ये फिक्स 78.2 से। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें, फिर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, फिर आपने मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एल्डोस्टेरोन्स इनके ना सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस तैयार करने हैं, तो वो आप यहाँ से तैयार करके कर लेना। यहाँ पे एक सिंड्रोम दिया हुआ है, अपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस सिंड्रोम, ये आप लोग यहाँ देख सकते हो। आप लोग इसको लाजमी पढ़ना कि ये क्या होता है। अच्छा, फिर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अपने इधर आज रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन के ऊपर जो चार पॉइंट दिए हुए, ये हमारे पास ऐसी क्यूज है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिसोल एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अपनी वर्डिंग में तीन चार आप लोग लाइंस निकाले ना, लाइक इन तीनों पॉइंट्स को आप लिख दो तो भी इनफ होगा। ये आप लोगों ने एसईक्यू के लिए तैयार करना है। इफेक्ट्स ऑफ कोर्टिसोल ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये सीक्यू के लिए तैयार करना है। ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, ये सीक्यू के लिए तैयार करना है। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने ये तैयार करना है, एक्सेस कोर्टिसोल कैसे ओबेसिटी कॉज करते हैं, ये आपसे पूछ लेते हैं। फिर कॉर्टिसोल इज इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन, ये हमारे पास एसईक्यू आता है। आप लोगों ने चार पांच सात आठ पॉइंट जो दिए हैं ये तैयार करने हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स ऑफ हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल, यहाँ से एमसीक्यू आते हैं। ये करने के बाद फिर ऐसा हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सर्कैडियन रिदम ऑफ ग्लुकोकॉर्टिकॉइड जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं हमारे पास एमसीक्यूज। और ये समरी दी हुई है कोर्टिसोल कंट्रोल सिस्टम की, इसको आप एक दफा रीड कर लोगे तो आपका सारा हो जाएगा क्लियर। फिर आ जाओ, अब ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेके एट द एंड ऑफ द चैप्टर सारे सिनेरियोज हैं, सारे क्लिनिकल कंडीशन है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। एड्रिनल एंड्रोजेंस में, ठीक है, आप लोगों ने ये भी तैयार करना है। एडिसन्स डिजीज, इसका सिनेरियो आता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली पूछते हैं। एडिसन्स डिजीज आप लोगों ने इसकी पैथोफिजियोलॉजी तैयार करनी है। मिनरलो कॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी तैयार करनी है, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी, मेलानिन पिगमेंटेशन, इसका ट्रीटमेंट एडिसन्स क्राइसिस, ये अलग से ऐसी क्यों आ जाता है। अच्छा, कुशिंग कभी कभी ऐसी क्यों आता है, कुशिंग सिंड्रोम के नेम से, और कभी आता है हाइपर एड्रेनलिज्म के नेम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अभी वाली दो पिक्चर्स हैं, ये अगेन हमारी ऑस्पी में लगी हो सकती है, ठीक है, हम पूछ सकते हैं कि किस चीज़ के लिए हम लोग इसके तहत तैयार करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम आप लोग करोगे। फिर प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म कौन सिंड्रोम, ये भी आप लोगों ने ऐसी क्यों तैयार करना है। आप लोगों ने सारे सिनेरियोज अपने ऐसी के लिए तैयार करना है, क्योंकि वो सिनेरियो देखे आपसे डायग्नोज पूछ सकते हैं। एड्रेनल जेनिटल सिस्टम, अच्छा, इसकी जो ये पिक्चर है ना, अगेन ये भी आपके ऑस्पी में लगी हो सकती है, ठीक है, वो पूछेंगे कि क्या है, तो ये एड्रेनो जेनिटल सिंड्रोम है। अब इसके आगे आप लोग पढ़ लेना, इसके अंदर सबसे ज्यादा आता है, ये मेल्स को इफेक्ट करता है, और ये जो इसकी लाइन है ना कि इन द पेरी प्यूबर्टल मेल आप रियलाइजिंग एड्रेनल ट्यूमर कॉज द सेम करेक्टरिस्टिक्स, तो ये लाइन जो हमारे पास एमसीक्यूज है, ये मैंने देखी हुई एक जगह पे। अच्छा, अब इस सबके साथ ना आप लोग गूगल कर लेना एकदम डेक्सामेथासोन टेस्ट, ये आप लोगों को ना आना चाहिए, ठीक है, वायवा में पूछ लेते होते हैं। इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों वो यही है, इसमें आपको अभी कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज का बता रही थी, ये चार हैं जो कुशिंग सिंड्रोम है, कुशिंग डिजीज से रिलेटेड है, ये आते हैं, आप लोग को आने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा तीन चार सवाल हैं वो यही आते हैं कि कोर्टिसोल सिक्रीशन को कैसे रेगुलेट करते हैं, या पैथोफिजियोलॉजी बताओ, हेल्प एड्रेनलिज्म की एक्शन बताते हैं, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के, इसके अलावा वो इसका एक्शन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे भी पूछ सकते हैं, फैट मेटाबॉलिज्म पे भी पूछ सकते हैं, और एल्डोस्टेरोन एस्केप फिनोमेना क्या होता है, ये एट द एंड ऑफ द वीडियो एक स्लाइड में शेयर करूंगी। आप लोगों ने एल्डोस्टेरोन एस्केप फिनोमेना वहां से तैयार कर लेना। सो यहाँ हम डन करते हैं अपना चैप्टर नंबर 78, और लेट्स मूव करते हैं अपना चैप्टर 79 के ऊपर। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।